ये चेक कर सकते हो पीछे वाला टायर जो कि मैंने थोड़ा अलग ही डलवाया है। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूं घर पे जो कि देख ही सकते हो। यो व्हाट्स अप फैमिली, आपका भाई निकल चुका है फाइनली फुल पावर विलेज के लिए। मैं शूट कर रहा हूं हाईवे से सीधे, सिटी से मैंने शूट किया ही नहीं। एंड गाइज अपने ना पीछे वाला टायर भी मैंने डलवा दिया अभी फुल पावर, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। एंड गाइज सर्दी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है यार, दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं बट सर्दी कम नहीं हो रही है। इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है क्या बताऊँ भाई। फुल पावर चलेंगे। एंड एक दिक्कत आ गई बाइक में कि मैंने अभी टायर खुलवाया था पीछे का, उन्होंने फीट सही से किया नहीं, ब्रेक में थोड़ी आवाज़ आ रही है। तो हम इसका काम करवाएंगे विलेज जाके, क्योंकि अपने ब्रदर की एक शॉप है वहीं पे करवा देंगे फुल पावर। ओके तो गाइज अपना विलेज होगा ऑलमोस्ट यहाँ से 13 किलोमीटर। फुल पावर चलेंगे यहाँ से, क्योंकि सिटी से ऑलमोस्ट मैं 10 किलोमीटर से आगे आके मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो इस कारण आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। सर्दी भी लग रही है एंड हाईवे है, गाड़ियाँ बहुत चलती है, तो उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। बहुत ओके तो गाइज इस लोकेशन पे है देख सकते हो आप। एंड गाइज ना अपने बाइक का थोड़ा ब्रेक चिपक रहा है यार, थोड़ी दिक्कत सी लग रही है मेरे को, तो हम बहुत आहिस्ता चलेंगे। कोई बात नहीं, एक घंटा लेट पहुँचूँ मैं घर पर तो कोई दिक्कत नहीं, बट कोई सीन नहीं होना चाहिए रास्ते में। ब्रेक में आवाज़ भी आ रही है, चिपक रहा है मेरे पीछे वाला ब्रेक यूज करूँगा ही नहीं मैं। हवा चल रही है बहुत तेज, ठंडी ठंडी। क्या व्यू है सामने का, मेरा सीन ये हुआ कि मैं निकल रहा था विलेज के लिए, तो मैंने पेमेंट था मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों नहीं टायर हो जाए पीछे का, क्योंकि राइड वगैरह रेगुलर करेंगे तो टायर तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने इस कारण टायर डलवा दिया, कि थोड़ा स्लिप वगैरह ज़्यादा ही हो रहा था, वो भी हो गया था ख़त्म, तो मैंने डलवा ही दिया साथ में। फुल पावर चलेंगे। एंड अपना फिल्टर ना थोड़ा चेंज करवाना पड़ेगा, फिल्टर के कारण बाइक थोड़ी दबी दबी चलती है। अभी तो फिलहाल चल रही है बट ये मॉर्निंग में चलाते हैं ना, उस टाइम फिर बहुत दबी दबी चलती है, क्योंकि गाइस अपने सीन रहता है हैवी बाइक हो तो उसके 5 मिनट बाइक को कोल्ड स्टार्ट पर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऑयलिंग वगैरह जमी हो सर्दी के कारण, वो सब सही स्टार्ट हो जाए फिर बाइक आप राइड कर सकते हो बिना। तो हम यहाँ आगे रुकेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा टायर वगैरह का सीन। फुल पावर ओके तो ये है अपना न्यू टायर आगे वाला, और ये चेक कर सकते हो पीछे वाला टायर जो कि मैंने थोड़ा अलग ही डलवाया है, जो कि लुक चेक करो भाई फुल पावर, क्योंकि हम चाय वगैरह पीते हैं और फिर मिलते हैं यहाँ पे चाय पीते हैं। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे जो कि देख ही सकते हो। एंड गाइस मैंने हाईवे पे शूट वगैरह ज़्यादा किया नहीं, सर्दी वगैरह बहुत ज़्यादा लग रही थी। एंड अभी आया हूँ फिलहाल मैं घर पे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ विलेज का थोड़ा आधा सीन सिनेमेटिक, एंड मैंने बाइक का जो भी काम कर रहा है बता देता हूँ, थोड़ा रहा है वो बाद में करेंगे। सो वही तो मैं बताऊँ आपको, तो फिर देखो और कमेंट करके बताना कि टायर वगैरह बाइक के अपने कैसे लग रहे हैं। सो वही ओके गाइस फाइनली मैंने बता दिया हमको क्या सीन रहा, एंड विलेज का थोड़ा सा सिनेमेटिक, एंड बाइक का जो भी काम करा है मैंने, एंड अब थोड़ा जो रहा है जो मैं बाद में करवा दूंगा मनी के कारण, धीरे धीरे ही होगा।
सो वही तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना डूड। मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट लेवल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।